हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। सबसे पहले तो आपको नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं करता हूं आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बुककीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच का डिफरेंस जानने वाले हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर में मैंने बुककीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच का, या फिर यू कहें तो बुककीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में डिटेल वाइज मैंने उसमें बताया है आपको। आप चाहें तो जाके उस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने इसके पहले लेक्चर में सारी बातें, बुककीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, इसके बारे में आपको मैंने बताया है, या फिर यू कहें तो उसके प्रिंसिपल्स के बारे में भी बताया है कि भाई पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, स्टेप वाइज मैंने सारी चीजें आपको बता दी है इन द प्रीवियस वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं बुककीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच का फर्क, या फिर यू कहें तो हेडिंग ही साफ साफ दिया है कि फर्क साफ किसके बीच का, बुककीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच। फर्क साफ में पहले हम लोग समझने वाले हैं क्या कि भाई इसका बेसिक डिफरेंस क्या है, या यू कहें तो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग इनका डिफरेंस क्या है, किसका डिफरेंस किसके संबंध में। यहाँ पे देखिए हम लोग तो फर्क समझ जाते हैं, और दूसरा चीज कि बुककीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी के रिस्पेक्ट में क्या है, अकाउंटिंग, बुककीपिंग और अकाउंटेंसी के रिस्पेक्ट में क्या है, और अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुककीपिंग के रिस्पेक्ट में क्या है, ये भी समझ जाएंगे, और साथ ही साथ इन तीनों के बीच का डिफरेंस भी समझ जाएंगे। तो बुककीपिंग के बारे में समझते हैं। तो बुककीपिंग में पहले आप चीजों को आइडेंटिफाई करते हो, फिर मेजर करते हो, फिर रिकॉर्ड करते हो, और फिर उसको क्लासिफाई करते हो। अकाउंटिंग में भी ये सारी चीजें होती है, यानी कि आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, प्लस समराइजिंग, चीजों को छोटे में बताना, उसको एनालाइज करना, एंड लास्ट में एनालाइज करना मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये बताना, और अंत में जाना और क्या करना, जो भी मालिक है उसको बता देना, मालिक साहब जितना प्रॉफिट हुआ है इतना लॉस हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है इतना लॉस हुआ है। अकाउंटेंट जाएगा और सीधे बता देगा मैनेजर से, मैनेजर साहब देखिए इतना अकाउंटिंग में, या फिर यू कहें तो इतना हमें बिजनेस में फायदा और इतना हमें घाटा हुआ है, इतना मुनाफा हुआ है इतना हमें घाटा हुआ है, ठीक है। और इन सब का नियम जो बताएगा वो अकाउंटेंसी, इसलिए अकाउंटेंसी जो होता है ना, अकाउंटेंसी का नियम, और इस तरह आप देखोगे कि मैनेजर्स बताते हैं आपको, मैनेजर का काम होता है अकाउंटेंसी का काम करता, ठीक है। तो आपको बड़े लेवल पर क्या किया जा रहा है, अकाउंटेंसी के बारे में बताया जा रहा है, अकाउंटिंग, बुककीपिंग इनके रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है, यानी कि समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है, यानी कि अकाउंटेंसी में आपका ये भी इंक्लूड है और साथ साथ ये भी इंक्लूड है, इस अकाउंटेंसी में आपका ये भी इंक्लूड है और साथ साथ ये भी इंक्लूड है, यानी कि इन चीजों को कैसे करेंगे ये हम अकाउंटेंसी में जानेंगे। अकाउंटिंग में चीजों को हम लोग क्या करेंगे, तरीके से समराइज करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, पता लगाएंगे, मतलब एनालिटिकल काम है, ये एक तरह का एनालिटिकल काम है, ये डिसीजन मेकिंग वाला काम है, और ये बुककीपिंग जो है ना ये एनालिटिकल नहीं है, ये एक तरह का क्लर्कियल काम है, एक तरह का क्लर्कियल वर्क है, ये क्लर्कियल जॉब है ये एक तरह से, ठीक है। बुककीपिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, और अकाउंटेंसी के बीच का फर्क हमें साफ साफ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। याद तक आप पिक ले सकते हैं, या फिर अपने नोट्स में इसको मेंशन कर सकते हैं, तीनों के बीच का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस जो है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ठीक है। अब हम लोग इसके दूसरे डिफरेंस के बारे में समझते हैं, जो कि है स्टेजेस को लेकर, किस स्टेज पर है ये, ठीक है। जिस तरीके से एक पूरा आपका जो मटेरियल होता है, जो रिसोर्स होता है, कि उसका एक बेसिक लेवल होता है, फिर बेसिक लेवल से उसका एक सेकेंडरी लेवल आता है, फिर सेकेंडरी लेवल के बाद उन सब में जो मदद करता है, दैट इज योर सर्विस लेवल या सर्विस स्टेज, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बुककीपिंग में जैसे कि आप साथ साथ देख सकते हैं कि बुककीपिंग दे रहा है कि प्राइमरी स्टेज है, जो भी आपके की फैक्ट्स हैं, मटेरियल्स हैं, जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको अभी शुरुआती दौर में रखा गया है, उनमें कुछ हमें एनालाइजिंग करने के बाद, एनालिटिकल काम करने के बाद जो पता चला वो सेकेंडरी स्टेज हो गया, दैट इज योर अकाउंटिंग। एंड इन दोनों में जो आपका हेल्प कर रहा है ना, इन दोनों में जो आपका हेल्प कर रहा है, दैट विल बी योर अकाउंटेंसी, वो आपका क्या हो जाएगा, अकाउंटेंसी हो जाएगा। इसी वजह से मैंने कौन सा स्टेज बताया है, सर्विस स्टेज, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि चीजों को कैसे करेंगे, उसके रूल्स क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, ये जब तक हमको पता नहीं रहेगा तब तक हम लोग ये समझ नहीं सकते हैं, तब तक हम लोग ये बात नहीं समझ सकते हैं कि भाई ये बुककीपिंग हुआ या फिर जो आपका अकाउंटिंग हुआ और अकाउंटेंसी तो कैसे होगा। इसलिए मैंने बोला कि बुककीपिंग जो है या फिर आपका अकाउंटिंग जो है सेकेंडरी स्टेज है, अकाउंटेंसी सर्विस स्टेज है, ठीक है। तो जब तक ये अकाउंटेंसी नहीं रहेगा, आप ना अकाउंटिंग कर सकते हो ना बुककीपिंग कर सकते हो, यानी कि आपको रूल्स और
जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो पता होने चाहिए फॉर डूइंग दिस बुक कीपिंग एंड ऑल्सो फॉर डूइंग दिस अकाउंटिंग। ठीक है, ये समझ में आ गया कि भाई बुक कीपिंग अकाउंटिंग इन्वॉल्व होता है किसमें, अकाउंटेंसी में, यानी बुक कीपिंग अकाउंटिंग मेन इन्वॉल्वमेंट जो होता है, जो मेन इन्वॉल्वमेंट होता है वो किसका होता है, इस अकाउंटिंग का। इसी वजह से हम लोग अकाउंटिंग के ज्यादा नियम समझते हैं प्राइमरी और सिस्टम्स के नहीं, क्योंकि ये जो होता है ना ये आपका एक आम इंसान भी कर सकता है। इसी वजह से बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से हो चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से ना हो, बुक कीपिंग कर सकता है। बट अकाउंटिंग करने के लिए भाई साहब आपको कॉमर्स स्ट्रीम में आना ही पड़ेगा, और जरूरी नहीं है। बट अगर कहने का मतलब ये है कि ये बेसिक चीज होता है, ये जो आपका बुक कीपिंग है बेसिक चीज है। इस वजह से मैंने प्राइमरी स्टेज कहा है, ये सेकेंडरी स्टेज है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे लोग एनालिटिकल काम करते हैं। ये जो होता है ना क्लर्कियल काम होता है, क्लर्क कोई भी बन जाता है भाई, क्लर्क जो है वो कोई भी बन जाता है। लेकिन एनालिटिकल काम करने के लिए आपको कुछ ज्यादा दिमाग उसमें लगाना पड़ेगा, आपको रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अकाउंटेंसी के समझने पड़ेंगे, ये बात है। ठीक है, आपको नियम समझना पड़ेगा, आपको प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे, नहीं तो हो नहीं पाएगा, ना अकाउंटिंग हो पाएगा और ना आपका बुक कीपिंग हो पाएगा। लेकिन ज्यादा आपको क्या नहीं हो पाएगा, ज्यादा आपका दिक्कत आएगा इस अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटेंसी का रूल्स एंड प्रिंसिपल गोल्डन रूल है, जो भी आपका अलग अलग रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जितने भी रूल है आपके वो हो जाएंगे विदाउट अकाउंटेंसी, विदाउट द यूज ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल विच हैज बीन मेंशन्ड इन अकाउंटेंसी। उसको जो मेंशन है ना अकाउंटेंसी का रूल्स एंड प्रिंसिपल, उसके बिना भी ये सारी बातें आपकी जो बुक कीपिंग की है वो हो जाएंगी। बट अकाउंटिंग करने के लिए आप अकाउंटेंसी के जो भी रूल्स और प्रिंसिपल्स है उसको समझना, ये बात आपको दिमाग में रखना होगा, नहीं तो अदरवाइज हो नहीं पाए। ठीक है, ये बात। तो अकाउंटेंसी में आपका बुक कीपिंग भी आ जाता है, अकाउंटिंग भी आ जाता है, बट मेन इन्वॉल्वमेंट अकाउंटिंग का होता है। समझ में आ गया कि बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है, एंड देन एट लास्ट आपका सर्विस स्टेज क्या है, अकाउंटेंसी, जो कि मदद करता है अकाउंटिंग में भी और एज वेल एज बुक कीपिंग में, लेकिन ज्यादा हेल्प अकाउंटिंग ही करता है इन कंपैरिजन टू बुक। ठीक है, हम लोग समझते हैं अपने तीसरे डिफरेंस के बारे में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड डिफरेंस। अब हम लोग अगर बात करें इसके रिलेशन के बारे में, तो रिलेशन अगर बात किया जाए तो आपका ये जो अकाउंटेंसी है, मैंने भी बताया कि भाई अकाउंटेंसी जब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपको अकाउंटिंग नहीं है, बुक कीपिंग नहीं है, अकाउंटेंसी नहीं हो पाएगा। यानी कि अकाउंटेंसी करने के लिए इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, दैट विल बी योर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। देखिए, बुक कीपिंग एक्चुअली में इंडिपेंडेंट होता है, अकाउंटिंग करने के लिए बुक कीपिंग का होना जरूरी है, यानी कि अकाउंटिंग विदाउट बुक कीपिंग पॉसिबल नहीं है। अगर कोई अकाउंटेंट है जो कि बुक कीपिंग ना करे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और ये अकाउंटेंसी जो होता है ना, ये डिपेंड करता है अकाउंटिंग पे भी और साथ ही साथ बुक कीपिंग पे भी, दोनों पर डिपेंड करता है। यानी कि बुक कीपिंग पर डिपेंड करता है अकाउंटिंग और अकाउंटिंग पे डिपेंड करता है अकाउंटेंट, यानी कि मेन जो डिपेंडेंसी है वो किसकी होती है, अकाउंटेंसी की, इन दोनों पर, बुक कीपिंग पे भी और अकाउंटिंग पे भी। लेकिन ये जो आपका बुक कीपिंग है ना, पूरी तरीके से क्या हो जाता है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाता है। जितने भी आपको मैंने डिफरेंस बताया बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, दिमाग से एकदम लास्ट वीडियो देखिए, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंस जो है, इंपॉर्टेंस के जो पॉइंट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये तरीके से इंपॉर्टेंस भी है आपका, कि भाई इन सबका इंपॉर्टेंस क्या है। देख सकते हैं, बुक कीपिंग इंडिपेंडेंट होता है, अकाउंटिंग डिपेंडेंट होता है किस पर, बुक कीपिंग पे, अकाउंटेंसी, इन दोनों पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, दैट विल बी योर अकाउंटेंसी की डिपेंडेंसी किस पर, बुक कीपिंग में भी और साथ ही साथ अकाउंटिंग में। ठीक है, आप एक और काम कर सकते हैं, ये तीनों का डिफरेंस है, ये तीनों का डिफरेंस है, कहीं पूछ सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस पूछ, बिल्कुल बता दीजिए, अकाउंटिंग बुक कीपिंग पर डिपेंड होता है, बुक कीपिंग इंडिपेंडेंट होता है। कहीं पूछ सकता है अकाउंटिंग अकाउंटेंसी के बीच का डिफरेंस, तो बता सकते हैं कि अकाउंटेंसी अकाउंटिंग पर डिपेंड होता है और अकाउंटिंग इन कंपैरिजन टू अकाउंटेंसी इंडिपेंडेंट होता है। आप ये भी देख सकते हैं कि अकाउंटिंग अकाउंटेंसी के कंपैरिजन में इंडिपेंडेंट होता है, बट एज अ होल डिपेंडेंट होता है बुक कीपिंग, एज अ होल डिपेंडेंट होता है बुक कीपिंग, बट इंडिविजुअली अगर इसका कंपैरिजन किया जाए अकाउंटेंसी के साथ, तो वो भाई इंडिपेंडेंट होता है और अकाउंटेंसी डिपेंडेंट होता है अकाउंटिंग में। क्या बुक कीपिंग में नहीं, जब जैसा डिफरेंस पूछेगा तो भाई, जब इन दोनों का पूछेगा तो बुक कीपिंग का क्या इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, जब इन दोनों का डिफरेंस पूछेगा तो उस दौरान आप अकाउंटेंसी का डिपेंडेंसी किस पर बताओगे, अकाउंटिंग पर बताओगे। बट जब इंडिविजुअली डिफरेंस पूछा जाएगा तब, एज अ होल डिफरेंस पूछा जाएगा तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट
और ये भी डिपेंडेंट ऑन बोथ दैट विल बी योर बुक कीपिंग एंड अब बात करते हैं अपने चौथे डिफरेंस के बारे में ठीक है लेट्स टॉक अबाउट आवर फोर्थ डिफरेंस अब हम बात करते करने वाले हैं अपने फोर्थ डिफरेंस के बारे में दैट विल बी योर स्कोप अब जैसे देख सकते हैं बुक कीपिंग का स्कोप है ना काफी हद तक छोटा होता है कुछ खास आता बड़ा नहीं होता ठीक है काफी हद तक छोटा होता है अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो अपने आप में नैरो होता है बट अकाउंटेंसी का जो स्कोप है ना वो वाइडर होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स बहुत सारे प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं दैट द रीजन की अकाउंटेंसी का स्कोप जो होता है अवसर जो होता है वो काफी बड़ा होता है क्योंकि बहुत सारे रूल दिए रहते हैं बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए रहते हैं और साथ ही साथ अकाउंटेंसी जो है ना अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बिना अधूरा है यानी कि जब तक उसमें बुक कीपिंग अकाउंटिंग इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा अकाउंटेंसी पॉसिबल नहीं है दैट द रीजन की अकाउंटेंसी का जो स्कोप है वो क्या होता है अपने आप में वाइडर होता है बट सर अगर मान लेते हैं कि पूछ देता है इंडिविजुअली इन दोनों के बीच का डिफरेंस या इंडिविजुअली इन तीनों का डिफरेंस तो कैसे करेंगे तो अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी का अगर डिफरेंस पूछता है ना बस तो उस दौरान आप अकाउंटेंसी का वाइडर बताओगे अकाउंटिंग का नैरो बताओगे बट अगर डिफरेंस पूछता है अकाउंटिंग का और बुक कीपिंग का तो उस दौरान आप अकाउंटिंग का स्कोप क्या बताओगे वाइडर एंड बुक कीपिंग का स्कोप क्या बताओगे नैरो ठीक है ये बात आपको समझ नहीं होगी अगर बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच का डिफरेंस पूछ देता है तो उस दौरान क्या कहेंगे उस दौरान आप बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का अगर डिफरेंस पूछता है तो उस दौरान आप अकाउंटेंसी का वाइडर और बुक कीपिंग का नैरो बताओगे अच्छा फिर और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच का डिफरेंस पूछेगा उस दौरान सिंपल सा है नैरो बताओगे और उसको राइटर बताओगे बस और तीनों का डिफरेंस पूछता है साफ साफ आप यहाँ पे देख सकते हो क्या बुक कीपिंग का स्मॉल स्कोप होता है इनका नैरोअर स्कोप होता है और इनका वाइडर यानी कि इन कंपैरिजन टू ऑल थ्री डीज बुक कीपिंग का स्कोप छोटा होता है इन कंपैरिजन टू ऑल थ्री डीज अकाउंटेंसी का डिफरेंस वाइडर ये चीज आपको समझनी पड़ेगी चलिए आगे बात करते हैं अपने लास्ट डिफरेंस के बारे में दैट विल बी योर फंक्शन तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बुक कीपिंग अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच का डिफरेंस समझे तो बुक कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग नेट रिजल्ट बताता है कि आपका प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ कंपनी को क्या करना चाहिए ये बताएगा आपका अकाउंटेंसी ठीक है यानी कि ये नेट रिजल्ट बता देता है कि देखो भैया देखो मैनेजर साहब हमें इतना प्रॉफिट हुआ है इतना लॉस हुआ है अब मैनेजर साहब जो है ना वो क्या करेंगे उसके बिहाफ पर डिसीजन लेंगे कैसा डिसीजन लेंगे एफिशिएंट डिसीजन लेंगे ठीक है अच्छा मान लेते हैं अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के बीच का डिफरेंस पूछे तो क्या बता देंगे कि भाई बुक कीपिंग का काम है चीजों को रिकॉर्ड करना है और अकाउंटेंसी का जो काम है डिसीजन लेना है अगर अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच का डिफरेंस पूछे तो उसको बताना है भाई इसका नेट रिजल्ट बताता है और अकाउंटेंसी आपका एफिशिएंट डिसीजन बताता है अब बोलोगे कि भाई अगर नेट रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए इसका होना जरूरी है हाँ भाई इसका होना जरूरी है अगर मान लेते हैं कंपनी में नहीं है क्लर्क नहीं है क्लर्क अगर नहीं है तो अकाउंटेंट ही आपका क्लर्क का भी काम करेगा और अकाउंटेंट का भी काम करेगा इसलिए कहा जाता है कि अकाउंटेंट क्लर्क का काम कर सकता है बट एक क्लर्क अकाउंटेंट का काम नहीं कर सकता तो क्लर्क अकाउंटेंट का काम नहीं कर सकता कहने का मतलब है बुक कीपिंग जहां एंड होता है वहीं से अकाउंटिंग की शुरुआत की जाती है पोजीशन एट विच बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स पोजीशन एट विच बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग क्या होता है स्टार्ट होता है और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है फॉर डूइंग अकाउंटिंग तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे या फिर अपने नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे हम लोग किसके बारे में किस टॉपिक के बारे में हम समझेंगे वो टॉपिक आपका रिलेटेड होगा कि भाई चीजों को कैसे रिकॉर्ड करना है क्या करना है क्या नहीं करना है इन सारी चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे यानी कि आज हमारी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है अब हम लोग अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे करेंगे इन पर डिस्कस करने वाले हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ फ्यूचर सर्वर के साथ वेयर बेस्ट नॉलेज वाइड है तो दोस्तों तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ और फ्यूचर सर्वर की तरफ से आप सभी को थैंक यू फॉर doing this video and तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ रिग्रेट कॉलेज वाइड है फिर मैं बता रहा हूँ आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ और वीडियो से लगी लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड टिल देन आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया